प्यारे दिल्लीवासियों, प्यारे मेरे भारतवासियों और सभी मेरे कानूनी अधिवक्ताओं, हाथ जोड़ के सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं और आदरणीय महामहिम सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय महामहिम हाई कोर्ट, आदरणीय महामहिम सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आज मैं आपके सबके बीच में एक चर्चा करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के तौर पर और बहुत सारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से, विक्टिम से और एडवोकेट से सलाह करने के बाद, उनका एक्सपीरियंस जानने के बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करी, कुछ RTI से कन्फर्म करी, आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, जब कोई भी क्राइम ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस की सबसे पहले सूचना पुलिस को दी जाती है वर्बल या लिखित तौर पर, और जब वो उसको ऑफेंस को रजिस्टर्ड करता है तो उसको 154 CRPC के अंदर FIR बोलते हैं, जिसके अंदर वो रजिस्टर्ड करता है। और जब ऐसे काम करने के अंदर, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस अधिकारी जानबूझ के अगर FIR दर्ज नहीं करता तो आप उसकी संबंधित न्यायालय के अंदर गुहार लगा सकते हैं, जिसको प्रोसीडिंग को CRPC के अंदर 156(3) की एप्लीकेशन कहा जाता है, जो संबंधित MM के पास, ACM के पास या CM के पास रखती है, और वो उसके अंदर जो है सबसे पहले जो है, इसके अंदर एक सबसे प्रसिद्ध जजमेंट है जो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट, जिसके अंदर ये साफ साफ है कि अगर कंप्लेंट के अंदर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील्ड होता है तो उसके ऊपर तत्काल FIR का आदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बात आई है स्पष्ट तौर पर कि जनरली जो है कंसर्न जो MM सपोर्ट होती हैं वो संबंधित पुलिस अधिकारी से या SHO से उसके अंदर रिपोर्ट मंगाते हैं या DCP से रिपोर्ट मंगाते हैं, एक बार स्टेटस रिपोर्ट कॉल करते हैं या ATR रिपोर्ट कॉल करते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर। और ज़्यादातर देखने में आया था कि ऐसे जब केस जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ हो या खास तौर से पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हो तो इसके अंदर एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जिसके वजह से ना चाहते हुए ये जो 156 की एप्लीकेशन की जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है ये डिले होनी शुरू होती है। और इसका मुख्य कारण कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती है और कुछ नेग्लिजेंस होती है इससे जो एप्लीकेशन संबंधित जो भी जांच अधिकारी होता है। अब मैं कुछ आपके सामने विषय शेयर करना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि कंसर्न IO SHO ACP कोर्ट के अंदर अपीयर ही नहीं होते, जानबूझ के कोई ना कोई एक्सक्यूज कोर्ट से मांग लेते हैं, एग्जम्पशन मांग लेते हैं, किसी तरीके से अपनी ड्यूटी कहीं और लगवा लेते हैं और कोर्ट के अंदर लेटर भेजते हैं। और कोर्ट के अंदर ऑलरेडी हर कोर्ट में 3 से 4 गुना कोर्ट के अंदर बर्डन है और उसकी वजह से कोर्ट क्या है 6 से 7 महीने की डेट दे देती है। और ये एक बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ऐसे के अंदर क्या होता है कि जो CDR, GPS, वॉइस रिकॉर्डिंग, फिंगरप्रिंट्स और पब्लिक विटनेस जो होती हैं वो जो है अफेक्टेड हो जाती हैं, एविडेंस मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खासतौर से CDR, GPS का एविडेंस जो कि 1 साल तक होता है। ऐसे बहुत सारे केस में थाना रानीबाग संबंधित केस में आया कि पुलिस अधिकारियों ने जब पुलिस अधिकारियों की जांच मांगी गई तो उन्होंने क्रिमिनल रिविजन फाइल कर दी और जब दोबारा मांगी गई तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि 1 साल हो गया और वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया है। तो दूसरी बात मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट वगैरह जो होती है ये कभी टाइम पे नहीं आती। और इसके अंदर एक और मेरे को विषय आया होगा कि बहुत सारी बात ऐसे होता है कि कोर्ट क्या करती है कि जब IO का कंडक्ट देखती है कि वो कोर्ट को कॉपरेट नहीं कर रहा, कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा, तो कोर्ट को उसको एक नोटिस इशू कर देती है, उसको बाउंड डाउन कर देती है उसके ACP और DCP के द्वारा। लेकिन देखने में ये आता है कि कोर्ट का स्टाफ भी ज़्यादातर वहीं भूल कर बैठता है और वो उसको नोटिस प्रॉपर संबंध नहीं कर पाता या किसी कारण की वजह से वो वापसी आ जाता है, ऐसे में फिर 6-7 महीने केस डिले हो जाता है। और हमने इसके जानकारी में हासिल करने के लिए जब प्रयास करें तो पता चलने का कि कोर्ट से फाइल वो हो जाती है नॉट ट्रेसेबल, कंसर्न अहमद कहता है कि फाइल नहीं ट्रेसेबल हो पा रही और कोर्ट उसको वार्निंग देती है केयरफुल इन फ्यूचर, और ऐसे के अंदर फिर फाइल लटक जाती है। और ऐसा जब कई 2-3 बार रिपीटेड हो जाता है तो पर्चा याददाश्त का एक फॉर्मेट होता है वो कोर्ट उसको वो दे देती है अहमद को। और इस तरीके से जो होता है कि कई बार ये जो है लगातार एक तरीके का एक केस को जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिले करना एक टैक्टिस बन जाती है जांच अधिकारी की, और इस 2.5 साल 3 साल 5 साल ऐसे मुकदमा निकल जाता है जिससे कि सारे एविडेंस खत्म हो जाते हैं और 200 CRPC की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो पाती। और इसी तरीके से बहुत सारी बार मैंने ये देखा कि कोर्ट में IO केस को लटकाने के लिए अलग अलग तरीके के बहाने बना के एग्जम्पशन लेटर मांग लेता है, कई बार एडवोकेट लीव पे हो जाता है, कई बार ऑनरेबल PP साहब लीव पे हो जाते हैं, कई बार ये भी आया कि ऑनरेबल PO साहब भी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो जज साहब है, जब 8-10 सेट होते थे एक आया मौका ऐसा भी आता है कि वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं, लिंक एमएम लगता है तो वो प्रॉपर सुनवाई नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑनरेबल जो कोर्ट्स होती है वो TIB के अंदर चली जाती हैं
और कई बार ऐसा होता है कि हैवी वर्ड होता है कोर्ट के अंदर, कई बार छुट्टी वुट्टी हुई है कि जैसे या कुछ और सर्कमस्टेंस के, कोर्ट में काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो ऐसे में भी डेट लग जाती है। तो इस तरीके की कई चीज़ें आई है और ऑर्डर अपलोड नहीं हो पाते, क्लियर जजमेंट है इस बारे के अंदर कि कोई भी कोर्ट है वो उसके अंदर ऑर्डर अपलोड करेगी ऑनलाइन, और बड़ी परेशानी होती है कि कोर्ट के अंदर ऑर्डर ही अपलोड नहीं हो पाते। और जब इसके अंदर अनसर्टिफाइड कॉपी 500 पेज के ऊपर मांगी जाती है, कई बार कोर्ट अलाउ भी करती है तो भी इसको जो संबंधित अहमद होता है देने में डिले करता है। और ऐसी भी चीज़ें सामने आई है कि बहुत सारी बार देखने में आया है कि जब CA1 एप्लीकेशन अप्लाई कर दी जाती है तो 6-6 महीने 8-8 महीने, ऐसे कम से कम 20 उदाहरण है। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई बंदा बोलना चाहे तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, मैं CA1 एप्लीकेशन के नंबर दे दूंगा कि रोनी कोर्ट में जो अप्लाई करी गई और 8-8, 10-10 महीने के बाद रिटर्न हुई, जिसके स्पष्ट कारण आज तक नहीं पता नहीं चले, जो बिल्कुल क्लियर कट नेग्लिजेंस था अहमद की ड्यूटी थी, अहमद ने फाइल ही पुट अप नहीं करी और CA1 रिजेक्ट हो गई 8-10 महीने के बाद, और जबकि 50-50, 40-40 एडवोकेट ने विक्टिम ने फॉलो किया। और ऐसे में अधिवक्ताओं को बहुत दिक्कत होती है, बीच में हियरिंग आ जाती है, कई बार शॉर्ट हियरिंग हो जाती है, और ज़्यादातर ऐसे केस के अंदर ये नहीं आया कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, पुलिस इतना प्रभाव डाल देती है या हाई प्रोफाइल पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी पर इतना दबाव बना देती है कि उसका हौसला टूट जाता है और केस कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो मेरा जो माननीय आदरणीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और महामहिम हाई कोर्ट से ये आग्रह है, और जितनी भी रोहनी कोर्ट की बार एसोसिएशन हैं कि वो इस विषय के रोहनी कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर 54 के लगभग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मेरा उन सबसे ये हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो इस विषय को जरूर उठाएं, क्योंकि कोई भी आवाज़ जब उठाई जाती है और उसकी आवाज़ जब जिससे हजारों लाखों लोग पीड़ित होते हैं तो सरकार उस बात को सुनती है। और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा एक भगवान का मंदिर मैं मानता हूँ इस कोर्ट को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या कोई भी न्यायालय हो, या कोई भी परिसर हो न्यायालय का, वो एक भगवान के मंदिर की तरह है, और उसमें बैठा हुआ जज जो न्यायमूर्ति है एक भगवान का प्रतिरूप होता है। तो ऐसे में मेरी उनसे सबसे ये आग्रह है कि जो जनता बाहर खड़ी है मंदिर के बाहर, उनकी इस समस्या को सुनते हुए और परेशानी को देखते हुए ऐसा कुछ गाइडलाइन कोर्ट जारी करे, क्योंकि कोर्ट के पास एक्सट्रीम पावर होती है कि कोई भी 156 दिन की जो प्रोसीडिंग होती है वो फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट ही टाइम बाउंड कॉल होनी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके ऊपर अगली हियरिंग के ऊपर जो है आर्गूमेंट होनी चाहिए और डिसाइड होनी चाहिए ताकि फर्दर लीगल प्रोसीडिंग हो सके और एविडेंस डिस्ट्रॉय होने से पहले उसके ऊपर कोर्ट प्रॉपर संज्ञान ले सके और जो एक्चुअल विक्टिम है उसको इंसाफ मिल सके, और वकील को भी जो अधिवक्ता है उसको भी समय के ऊपर उसका अपना कानूनी प्रक्रिया पूरी हो सके जो उसकी मेन ड्यूटी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति 135 करोड़ जनता, कुछ लाख एडवोकेट इस देश के अंदर है जिनके पास न्याय से उम्मीद से जाती है, और हजारों की संख्या में ही सिर्फ इस देश के अंदर वो न्यायमूर्ति हैं जिनको हम भगवान का रूप देते हैं। एक तरफ वो प्रभु हैं जिसके पास जन्म देने का, पालने का और मिटाने का किसी भी सृष्टि को, जीव को अधिकार होते हैं, 3 अधिकार जो भगवान के पास होते हैं। उसी तरह एक जज के पास किसी को धरती पे जिंदा रहने का, पालने का जो अधिकार होता है वो उसके जुडिक्शन में आता है, डिस्ट्रॉय करने का, फांसी तक देने तक का अधिकार उसके पास होता है। तो भगवान के पास दूसरा रूप धरती के ऊपर अगर कोई है तो मैं उसको एक आदरणीय जज साहब को मानता हूँ, और उन्हीं से आज ये मेरी गुहार है शब्दावली के थ्रू, अगर ये उन तक कोई अधिवक्ता पहुँचा सके कि इस 156 दिन के ऊपर कोई सख्त गाइडलाइन जारी करें ताकि लाखों करोड़ों जो केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट का प्रीसीडेंस टाइम खराब होता है, वो खराब होने से बचे, और जो लोग इस 156 दिन की एप्लीकेशन का और 154 CRPC का मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लग सके और उनको सबक मिल सके। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ और अपने पुनः सभी न्यायालयों को और इसी से सबको नमन करता हूँ, और सारी कानूनी अधिवक्ताओं को भी नमन करता हूँ, और बहुत सारे एडवोकेट्स मेरे साथ जुड़े हुए इस क्रम के अंदर, और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को ये विचार अगर उनको ठीक लगे तो वो जरूर अपने कमेंट्स इसके अंदर डालें, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमेंट्स डालें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये आवाज़ का सिलसिला चलता रहे और हौसला बढ़ता रहे, और इसी तरीके से आवाज़ मैं आगे भी बुलंद करता रहूँगा। और एक मैंने आपको बताया था पहले भी, जस्टिस क्रांति के नाम से मैं एक बुक लिख रहा हूँ 24/18 से, जो कि इस साल कंप्लीट हो जाएगी, और जिसको जल्दी मैं माननीय संबंधित कानून मंत्रालय से परमिशन लेके छपलाऊंगा, पब्लिश करवाऊंगा, और उसको फ्री निःशुल्क बांटी जाएगी। उसकी प्रति अगर किसी को चाहिए, कोई उसमें अपना विचार साझा करना चाहता है ताकि बिलो 10 ईयर्स एडवोकेट्स को और एडवोकेट के लिए वो एक रास्ता बने, तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा, और ऐसे अधिवक्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना अनुभव जरूर शेयर करें ताकि आने वाले एडवोकेट्स के लिए भी एक रास्ता बने। इसी के साथ ही शब्दावली को विराम देता हूँ। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।